एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर, देयर क्लासिफिकेशन एंड देयर मैकेनिज्म. नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ सम एडिशन पॉलीमराइजेशन. फर्स्ट हम देखते हैं पॉलीइथिलीन. पॉलीइथिलीन का मोनोमर यूनिट्स है इथिलीन. नंबर्स, इन नंबर्स ऑफ मोनोमर बहुलीकृत होकर क्या बनाते हैं, पॉलीइथिलीन. इसमें भी दो प्रकार का होता है पॉलीइथिलीन. फर्स्ट है लोअर डेंसिटी पॉलीइथिलीन एंड सेकंड है हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन. हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन जब हम जिंगलर नाटा पढ़ेंगे, जिंगलर नाटा पॉलीमराइजेशन उस टाइम हम आपको बताएंगे. अभी हम बताएंगे लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन. लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन 2000 एटमॉस्फेयर में एंड 500 to 600 केल्विन पे होता है. अभी आपने देखा है ये 1000 ppm एंड 500 to 600 केल्विन में ये बनता है और इसको बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन. इसका उपयोग, पॉलीथीन का उपयोग होता है खिलौने बनाने के लिए, टॉयज बनाने के लिए और बहुत सारे जो हमारे दैनिक जीवन में हैं ये सारे के लिए इसका यूज़ होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीएसीटेट, पॉलीएथिलोनाइट्राइल, पॉलीस्टाइरीन एंड टेट्राफ्लूरो टेफ्लॉन. इतने सारे पॉलीथीन हम कैसे बनाएंगे, कैसे हम इसको याद रख सकते हैं, इतने सारे हमारे पास पॉलीमर है, एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है. तो हम बेस एक लेते हैं, बेसिक हमारा है इथिलीन. ये मोनोमर है किसका, पॉलीइथिलीन का. इसी से हम आगे हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप याद रखोगे. यदि हम इस मोनोमर जो इथिलीन मोनोमर है उसे एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस करते हैं, क्लोराइड से. क्लोराइड से रिप्लेस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है. एक हाइड्रोजन को हमने किससे किया, क्लोराइड से किया, हमको क्या मिला, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, वाइनिल क्लोराइड. वाइनिल क्लोराइड जब n नंबर्स ऑफ वाइनिल क्लोराइड बहुलीकृत होके क्या बनाएगा, पॉलीमर बनाएगा जिसको बोलते हैं हम पॉलीविनाइल क्लोराइड. इसमें क्या होगा, एक एक बॉन्ड ब्रेक होता है और ओपन होता है. नंबर्स ऑफ, जैसे कि आपको हमने मैकेनिज्म में बताया था वैसे ही इसमें बनेगा. तो इसमें सिंपल रिएक्शन है, इन नंबर्स ऑफ वाइनिल क्लोराइड मिलकर क्या बनाता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड. पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज होता है प्लास्टिक पाइप में, रेनकोट बनाने में इसका यूज होता है. सेकेंड हम देखते हैं यदि हम इस इथिलीन से एक हाइड्रोजन को इसे साइनाइड से रिप्लेस करते हैं तो हमको मिलता है एक्रिलोनाइट्राइड, है ना, एक्रिलोनाइट्राइड. जब एक n नंबर्स ऑफ एक्रिलोनाइट्राइड बहुलीकृत होके एक पॉलीमर निर्माण करता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड या इसको हम ऑर्लोन भी बोलते हैं. जैसे कि आप लोगों ने क्वेश्चन आपने देखा है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आते हैं पॉलीमर्स में. तो जैसे एक आप लोगों में एक नंबर का क्वेश्चन आता है, एक नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि ऑर्लोन का मोनोमर क्या है, तो आप बता सकते हैं ऑर्लोन का मोनोमर है एक्रिलोनाइट्राइड. वैसे ही पॉलीथीन, पॉलीथीन का मोनोमर है इथिलीन. आपको यदि इथिलीन याद है आप रिप्लेस करके आसानी से बना सकते हैं. वैसे ही पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर क्या है, वाइनिल क्लोराइड. इस तरीके से एक एक नंबर का भी क्वेश्चन आता है. साथ ही साथ जैसे शॉर्ट नोट्स में आता है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में समझाइए, उसका यूजेस बताइए, ऑर्लोन या फिर एक्रिलोनाइट्राइड, पॉलीथिलीन के बारे में, हाई डोज हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, देन आगे पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन और पॉलीएसीटेट, है ना, पॉलीविनाइल एसीटेट, ये सारे चीज़ के बारे में हमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो इस तरीके से आप एक बेसिक यदि आप याद रखेंगे तो सारा चीज़ आपको जानकारी हो पाएगा. थर्ड हम देखते हैं इसका यूजेज होता है ऑर्लोन और या पॉलीएक्रिलोनाइट्राइड का कपड़े बनाने में, स्वेटर में या फिर जो फाइबर्स युक्त जो है उसमें इसका यूज होता है. थर्ड हम देखते हैं यदि एक हाइड्रोजन को, ये जो इथिलीन है इसमें से एक हाइड्रोजन यदि हम एसीटेट
O C O C S 3 एसिटिक एसिड सी एस थ्री सी ओ एच होता है, उसमें से यदि एक हाइड्रोजन को हम निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है, सी एस थ्री सी ओ ओ निगेटिव, है ना। तो ये होता है एसीटेट आयन। तो जब हम एक हाइड्रोजन को एसीटेट से रिप्लेस करते हैं तो हमको वाइनिल एसीटेट मिलता है, है ना। तो वाइनिल इन नंबर्स ऑफ वाइनिल एसीटेट रिपीटेटिव यूनिट्स ऑफ इन नंबर्स ऑफ एसीटेट पॉलीमराइज होकर क्या बनाते हैं, पॉलीविनाइल एसीटेट। पॉलीविनाइल एसीटेट इसका यूज होता है इमल्शन पेंट में। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि हम इस हाइड्रोजन को, इथिलीन मोनोमर है, इस इथिलीन मोनोमर से एक हाइड्रोजन को यदि हम बेंजीन रिंग से रिप्लेस करते हैं तो हमको मिलता है स्टाइरीन। इस तरीके से स्टाइरीन हमको मिलता है, इसको बोलते हैं स्टाइरीन। नाम याद रखना, इथिलीन मोनोमर में एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना है बेंजीन से, हमको बनेगा, हमको मिलेगा स्टाइरीन। यदि स्टाइरीन का हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, एन नंबर ऑफ स्टाइरीन पॉलीमराइज होके क्या बनाता है, पॉली स्टाइरीन बनाता है। ये पॉली स्टाइरीन इसका यूज होता है कोम में, हम लोग यूज करते हैं, टाइल्स है ये इसमें यूज होता है। नेक्स्ट हम इसे देखते हैं, यदि फोर हाइड्रोजन है इथिलीन में, फोर हाइड्रोजन को यदि हम फोर फ्लोराइड से रिप्लेस करते हैं क्या मिलेगा, ये क्या है इथिलीन, फोर फ्लोराइड से हम इसको रिप्लेस करते हैं, हमको मिलता है टेट्रा इथिलीन फ्लोराइड, है ना, टेट्रा फ्लोरो इथिलीन, ये हमको मिलता है। जब हम टेट्रा फ्लोरो इथिलीन का इन नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होते हैं तो हमको मिलता है टेफ्लॉन। इस तरीके से पूरी चैन, पूरा जो है बॉन्ड ओपन हो जाता है एन नंबर्स, इसमें एन जो नीचे एन लिखना बहुत ही मस्ट है, यदि आप एन नहीं लिखोगे तो आपका रिएक्शन पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि एन मतलब बहुत सारे यूनिट्स ऑफ मोनोमर। तो इस तरीके से ये टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का यूज़ जैसे गर्म थैले, इसके यूज में इसका यूज होता है, गर्म पानी रखने का थैला इसमें यूज होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ आयोनिक, जो रह गया था नेक्स्ट स्लाइड में हमने बताया था आयोनिक, जिसमें कि थ्री स्टेट में कंप्लीट होता है ये, जिसमें केटायनिक और इनायनिक मैकेनिज्म हम आपको बताएंगे। फर्स्ट है एडिशन पॉलीमराइजेशन का केटायन मैकेनिज्म, आपको बताया था कि ये थ्री स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है इनिशिएशन प्रोटॉन, जब मोनोमर के साथ इसमें बॉन्ड इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट होता है तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता है, यहाँ पे प्लस चार्ज आता है और एक हमको रिएक्टिव स्पीशीज बनता है, ये जो प्लस है इसके पास अटैक करता है, तो इस तरीके से CH2CH पॉजिटिव एन, ये हमको एक कार्बोकेटायन मिलता है, कार्बोकेटायन जो कि रिएक्टिव स्पीशीज है, रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। नेक्स्ट है प्रोपिगेशन स्टेट, चैन प्रोपिगेशन या चैन इलोंगेशन बोलते हैं। ये जो रिएक्टिव स्पीसीज है ये मोनोमर के साथ रिएक्ट, नंबर एन नंबर ऑफ मोनोमर के साथ रिएक्ट करके एक लंबी चैन श्रृंखला का निर्माण करता है। लंबी चैन श्रृंखला का निर्माण किया। देन लास्ट स्टेट है टर्मिनेशन स्टेट, टर्मिनेशन स्टेट में इसमें क्या होता है, ये जो हमारा बना है चैन इलोंगेशन, बहुत सारे लंबी चैन श्रृंखला, इसमें से एक हाइड्रोजन दे देता है, प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है और ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन के टर्मिनेट हो जाता है और यहीं पर रिएक्शन जो है कंप्लीट होता है। प्लस
के रूप में निकल जाएगा ये यहाँ से, और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा अनसैचुरेटेड। इस तरीके से ये कैटायनिक मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। इसमें फर्स्ट क्या है, इनिशिएशन स्टेप, जिसमें कार्बोकेटायन का निर्माण होता है, मोनोमर से जुड़ के फिर एक नया कार्बोकेटायन बनता है। देन नेक्स्ट है चैन प्रोपोगेशन स्टेप, जिसमें कि जो कैटायन है रिएक्टिव स्पीसीज है, वो बहुत सारे इन नंबर्स ऑफ मोनोमर के साथ मिलकर लंबी चैन श्रृंखला बनाता है। फिर टर्मिनेशन स्टेप में एक प्रोटॉन के निकलने से वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। इस तरीके से ये मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एनायनिक मैकेनिज्म भी तीन स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है इनिशिएशन स्टेप, एनायनिक मैकेनिज्म में लुईस एसिड या लुईस बेस के प्रेजेंस में होता है। तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनर, ये कोई इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसका जब हम मोनोमर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इस तरीके से ये डोनर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। जिधर एरो पर निशान रहता है उसका मतलब ये है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या चिन्ह क्या निशान लगता है, निगेटिव चिन्ह लगता है। तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा Z CH2, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे एरो का निशान किधर जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस कार्बन में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से ये है चैन इनिशिएशन, कार्बोकेटायन बना। सेकेंड स्टेप है चैन प्रोपोगेशन या चैन इलोंगेशन। इसमें क्या होता है, चैन जो है लंबी चैन श्रृंखला बनती है। तो जो हमारा रिएक्टिव स्पीसीज है, रिएक्टिव स्पीसीज मोनोमर से रिएक्ट करके बहुत लंबी चैन श्रृंखला बनाता है। ये बहुत लंबी चैन श्रृंखला बनाता है। इस तरीके से बहुत लंबी चैन श्रृंखला बनाता है। फिर देन लास्ट स्टेप है इसका टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में इसमें क्या होता है, जो हमारा रिएक्टिंग स्पीसीज है, ये लंबी चैन श्रृंखला है, अब उसको स्टॉप करना है, रिएक्शन हमारा पॉलीमर बनना है। तो क्या होता है, यहाँ पे एक निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो एक प्रोटॉन देके फिर ये प्रोटॉन को एक ड्रॉप करके फिर ये सैचुरेटेड हो जाता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर, जो हमारा मोनोमर है उसके साथ रिएक्ट किया, एक रिएक्टिव स्पीसीज बनाया एनायनिक स्पीसीज, देन एनायनिक रिएक्टिव स्पीसीज जो है इन नंबर्स ऑफ मोनोमर के साथ रिएक्ट करता है और एक लंबी चैन श्रृंखला बनाता है। देन फिर लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन। इसमें एनायनिक मैकेनिज्म में क्या होता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है और वो जो है रिएक्शन जो है कंप्लीट होता है, यहीं पर रिएक्शन स्टार्ट होता है। और इस तरीके से ये मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ एडिशन पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि इतने दिन से इतने देर तक हम लोग पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, तो ये पॉलीमराइजेशन होता क्या है। पॉलीमराइजेशन फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर इज नोन एज द पॉलीमराइजेशन। मतलब बहुलक बनने की प्रोसेस, जो प्रक्रिया होती है बहुलक बनने की, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण। ये क्वेश्चन आता भी है एक नंबर का क्वेश्चन कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है या बहुलीकरण क्या होता है। तो जी धन्यवाद।